एक इश्क है इस दुनिया का, वो इश्क थोड़ी है। एक इश्क है जिसमें आप कुछ पाना चाहते हो, एक इश्क है जिसमें आप मिट जाना चाहते हो, वो इश्क है। यहाँ आप मिट जाना चाहते हो, तू रहे मैं मिट जाऊं, ये इश्क है। तो जब हमारी चाहतें कम हो जाती हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ होता थोड़ी है, सामने वाला जो बंदा है उसने वही करना है जो उसको करना है, हमारे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, वैसे वैसे गुस्सा कम आने लग जाता है। हमें समझ आने लग जाता है दो तरह की चीजें हैं हमारी लाइफ में। एक है जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो वहां हम एक्ट करते हैं, दूसरा हमें पता है कि यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, यू डेवलप सम काइंड ऑफ अ फेथ विद इट, और वो फेथ खोखला नहीं है। दुनिया की नज़र में फेथ का मतलब क्या है, रिलीजन का मतलब क्या है, भगवान का मतलब क्या है, कि मेरी भगवान में बहुत आस्था है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया भाई, बड़ा मतलब ही भगवान है कि जिसकी आस्था है उसके साथ अच्छा होगा, जिसकी नहीं है उसके घर में डेथ होगी, उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा है भगवान। फेथ का मतलब क्या है, अब चाहे कुछ रहे या मिटे, हाँ चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, पैसा आए या जाए, भूख है लेकिन खाना मिले या ना मिले, मैं काम कर रहा हूं अपनी तरफ से पूरा अपना एफर्ट लगा करके, उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिले या बुरा मिले, क्या फर्क पड़ता है, तू तो मेरे साथ है ना। दिस इज फेथ। तू जो कर रहा है वो सब सही है, सब मंजूर है, जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी, हट गए बीच में से। दिस इज कॉल्ड फेथ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ हो जाओ कि कोई भी आए और आ करके आपके साथ कुछ भी करके चला जाए और आप कहो कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब राइट एक्शन एट द राइट टाइम स्पॉन्टेनियसली, कि जिस सिचुएशन में जो करना चाहिए, जो आपको ठीक लग रहा है वो आप कर रहे हो, अपनी पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जो हो रहा है वो मेरी पकड़ से बाहर है, इसको समझ पाना इस स्पिरिचुअलिटी। समझ गए, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि मैं, अब आदमी कहे मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, जो करेगा भगवान करेगा, क्या है ये, बेवकूफी है। प्यास लगी है तो जाकर के पानी पीना पड़ेगा, भगवान को तेरा नौकर थोड़ी है कि आकर के तुझे पानी पिलाएगा, लो जी सर ये लीजिए, हाँ लीजिए लीजिए पीजिए पीजिए, आपको बड़ी प्यास लगी है, हाँ मैं आप ही की सर्विस में हूँ, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। ऐसा नहीं है भगवान। भगवान क्या कहता है, जो करना है करो, शक्ति चाहिए मुझसे लो, अगर कोई गलती हो भी जाए तभी डरना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, मैं नहीं छोड़ने वाला। ये है स्पिरिचुअलिटी, ये है रिलीजन। That is becoming fearless, becoming intelligent. जो काम कर रहा हूं उससे रिलेटेड 1000 बुक्स पढ़ूंगा, पढ़ करके उस काम को ढंग से करूंगा, जो पैसा आएगा उस पैसे को शेयर करूंगा पूरी दुनिया के साथ में, कब्जा नहीं करूंगा उस पर। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। ऐसे अब थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट है, बेटर अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप्स। ऐसा भी हुआ है किसी के साथ में? बहुत बढ़िया, मतलब धीरे धीरे हम सामने वाले को समझ पाएंगे, हम अपने आप को उनकी जगह पे रख करके देख पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि जिस चीज़ को लेकर के मैं इतना परेशान हो रही हूँ उस आदमी से, अगर मैं उसकी जगह पे होती एग्जैक्ट उसी सिचुएशन में तो मैं भी एग्जैक्ट वही करती जो उसने किया, एग्जैक्ट, इतना सा भी अलग नहीं। जिस दिन ये समझ हमारे अंदर डेवलप हो गई उस दिन हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे बिना किसी को कुछ बदले, और जिस दिन हमने एज इट इज सामने वाले पर्सन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया वो बदल जाएगा। अटैचमेंट्स कम हो रहे हैं, डिक्रीज इन अटैचमेंट, ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ में? किन चीजों से अटैचमेंट कम हो रहे हैं? खाने से कम हो गए, क्या बात है, कार से कम हो गई, कार खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ले जाए, कहाँ खड़ी है आपकी कार, मैं ले जाऊंगा। इंक्रीज इन कंपैशन एंड लव, अब ये बड़े भारी वर्ड्स हैं, हो रहा है किसी के साथ में ऐसा, क्या हो रहा है, व्हाट इज लव,
कोई बताएगा व्हाट इज लव? सब कुछ हमने एक्सेप्ट कर लिया, आप बताइए। एक्सपेक्टेशंस का ना होना, देखो लव और कंपैशन पता है क्या है, दैट इज नथिंग बट वननेस। जब आप किसी के साथ में एक होते हो ना, जैसे एक माँ है उसका एक बच्चा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में एक है, अलग थोड़ी ना है, समझ गए, पूरी तरह से एक है। तो क्या यहाँ पे माँ को प्यार करना पड़ेगा अपने बच्चे से? नहीं ना, माँ को उस बच्चे के बाप से प्यार करना पड़ेगा। समझ गए? पर बच्चे से प्यार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसको उसको ये डाउट नहीं है कि ये मेरा ही पार्ट है, कि ये मैं ही हूं। तो प्यार वर्ड भी वहां पे जाकर के छोटा हो जाता। लव इज जस्ट अ वर्ड, एक्चुअल में प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ वननेस है। जहां आप उस वननेस में गढ़ते चले गए, जहां आपको समझ आता चला गया, अरे यही है जो मेरे अंदर है, यही है जो आपके अंदर है, यही है जो सबके अंदर है, हर जानवर के अंदर, हर इंसान के अंदर क्या है, यही है, और ये क्या है, ये मैं ही हूं। तो क्या अलग रह गया? आप ये भी सुनो कि क्या है। एक है फीलिंग के स्तर पे लव, फीलिंग के स्तर पे क्या, मुझे लगता है कि हम सबके अंदर एक ही है, हम सब एक ही हैं, ये क्या है, फीलिंग है। ये फीलिंग में क्या है, बड़ी मिलावट है भैया। हम सब हिंदुस्तानी हैं तो हम सब एक ही हैं, वो पाकिस्तानी हैं तो हम एक ही हैं, और ये दोनों अलग अलग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ये कैसा प्यार है, नकली प्यार है। दिस इज नॉट लव, दिस लीड्स टू हेटरेट। मतलब जो मेरा है उसके साथ तो मैं एक हूँ, जो मेरा नहीं है उसके साथ मैं अलग अलग हूँ। दिस इज नॉट लव। लव मीन्स कि सबके अंदर एक ही है। एक कौन, अब आपके लिए थ्योरी नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने ये बोला है कि सबके अंदर एक ही सच है, एक ही सत चित आनंद है जो हम सबके अंदर है, एक ही भगवान है जो हम सबके अंदर है। वो क्या है, क्या है, क्या कोई ख्याल है, क्या रियलिटी है? अरे ये भैया, ये साउंड ऑफ साइलेंस कहो, इसको धुन कहो, इसको भगवान कहो, जब भी मैं वर्ड यूज करूँ ना, भगवान, आत्मा, परमात्मा, समझ जाओ मैं साउंड की ही बात कर रहा हूँ। आई पुट इट सिंपल, जब भी मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ, इस साउंड की ही कर रहा हूँ। सिर्फ ये है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये हम सब में है। बाकी बताओ, ऐसा क्या है जो आप कह सकते हो कि हम सब में है? शक्लें अलग अलग हैं, बॉडी अलग अलग है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, बाल अलग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है, थॉट्स अलग अलग हैं, फीलिंग्स अलग अलग हैं, रिलेशनशिप्स अलग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है, हर स्तर पे हम अलग हैं। सिर्फ ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम सब एक हैं। जब इस बात को हम गहराई तक अंदर गढ़ती चली जाती है, जब हम किसी इंसान को नहीं देख रहे होते, अगर मैं आपको देख रहा तो मैं आपको नहीं देख रहा, आपकी फॉर्म को नहीं देख रहा, आपके अंदर उसको देख रहा हूं जो मेरे अंदर भी है। सोचो, सोचो, जो आपके अंदर है उसको मैं भी देख सकता हूं। आपके अंदर है ये सब, है ना? मैं सुन सकता हूं ना इसको, मतलब मैं ये सुन सकता हूं ना आपके दिल में क्या है। मैं ये नहीं देख सकता कि आपके माइंड में क्या है, मैं आपके थॉट्स को नहीं देख सकता, आपकी फीलिंग्स को नहीं देख सकता, मैं ये देख सकता हूँ इन सबका जो दिल है, हार्ट, पता है क्या है हार्ट, फिजिकल हार्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हार्ट मतलब द सेंटर ऑफ क्रिएशन। कि अगर ये पूरी दुनिया है, ये आप हो, ये मैं हूं, इसका सेंटर क्या है, दैट इज हार्ट, वो धागा जिसने हम सबको जोड़ रखा है, उस धागे को निकाल दो तो कुछ भी नहीं है, वो धागा है तो सब कुछ है। तो मैं ये देख सकता हूं कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल में वो ही है जो मेरे दिल में है, और जो दिल में है वो ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ही रहता है, बाकी सब मिट जाता है, बाकी सब मिट जाता है, कुछ नहीं रहेगा, ना ये बॉडीज रहेंगी, ना ये थॉट्स रहेंगे, ना फीलिंग, मेमोरी, सब मिट जाएगा, ये रहेगा। और जब ये रहेगा तो यहां पर ना हम कभी अलग थे, ना अलग हैं, ना कभी अलग होंगे।
ना अलग हो सकते हैं चाह करके। हम सोच सकते हैं कि हम एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन अलग हो नहीं सकते इस स्तर पे, या दिल में। एक बात थोड़ी सी डीप है, टच करूं इफ यू वांट इट। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स की सारी जड़ पता है क्या है? ये मानो कि एक ऐसा समुद्र है जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। इस साउंड का क्या कोई बिगनिंग है जहां कह सकते हो कि ये यहां से शुरू होती है? क्या कोई अंत है? नहीं है। तो मानो कि पानी है, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। इसको पानी भी बोला गया है वेदों में, क्योंकि ये पानी के जैसा है, हमेशा बहता रहता है, लेकिन कहीं से आता जाता नहीं है क्योंकि ये हर जगह है। इस पानी में लहरें बनती हैं और मिटती हैं। लहरें क्या हैं? हमारी बॉडी। समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल है वैसे, लेकिन थोड़ा सा डीप है। लहर को ये जानने के लिए कि मैं ही पानी हूं, क्या करना पड़ेगा? रियलाइज करना। और रियलाइज कैसे होगा? अभी वो लहर अपनी इस बॉडी के थ्रू, यानी लहर के थ्रू और लहरों को देख रही है। उसका पूरा ध्यान और लहरों की तरफ है, इस पूरी दुनिया की तरफ है। तो अब क्या करना है? कोई ऐसी लहर है कहीं पर जो ये जानती है कि मैं ही पानी हूं, वो आई आपके पास में, आकर के उसने बोला आपको कि कुछ सेकंड्स के लिए अपना ध्यान जो और लहरों की तरफ है बाद में लगाए रखना, आपकी मजबूरी है, आप क्या करोगे? काम तो करना ही है, जॉब तो करनी है, बिजनेस तो करना ही है, फिर लहरों में उलझना ही है। कुछ देर के लिए, एक सेकंड के लिए सिर्फ पलट करके देखो अंदर क्या है। जैसे ही लहर ने बाहर देखा तो सिर्फ लहरें हैं, बड़ी लहर, छोटी लहर, प्रॉब्लम्स, ये वो, वाटर, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र है, युद्ध है कि नहीं? ये दुनिया एग्जिस्टेंस ही अपने आप में एक प्रॉब्लम बनी पड़ी है। कोई है लहर जो बहुत बड़ी हो गई है, कोई है जो बिल्कुल छोटी सी है, किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास इतना पैसा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो बाहर कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। तो आपने एक सेकंड के लिए लहर ने अंदर पलट करके देखा किसी के कहने पे, और जब अंदर देखा वहां कोई लहर नहीं है, सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी है। और जहां ये बात आपको मेरी गहराई से समझ आ गई, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इस लहर के होने या ना होने से पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बॉडी के होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि लहर को मारना, मुक्ति का मतलब है ये जानना कि ना लहर है ना और लहरें हैं, दिख रही हैं, दिख रही हैं, लेकिन है सब कुछ पानी। लहरें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन पानी वहीं का वहीं रहता है।